वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप में तो सब कुछ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरे के साथ शेयर कर लें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप नोटिफाइड रहें और हमारी कोई भी वीडियो आपसे गलती से भी ना मिस हो। तो आज की हमारी वीडियो है हाउ इंडिया, आज की हमारी वीडियो है हाउ वाज इंडिया 1000 इयर्स अगो, मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है हाउ वाज इंडिया 1000 इयर्स अगो। तो स्टार्ट करते हैं। हम आधुनिक भारत के लोग हैं, हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की छठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में आज काफ़ी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन, यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर हैं। हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें हम बस कुछ ही सेकंड्स में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमें जहाँ जाना हो पल भर में तय करते हैं और हवाई जहाज़ या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर पहुंच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं। इतनी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर रखा जाए तो बिल्कुल हम बेचैन हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए उस जमाने में लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब कुछ उपलब्ध नहीं था। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा, कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है, तो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता जरूर है कि भारत एरिया में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई दंश सहे हैं जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया में अस्तित्व में है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसीलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजरें जमाई और यहाँ राज किया। अब भारत एरिया में तो बहुत विशाल था, लेकिन इसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत और चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी मानी जाती थी। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास एरिया को ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से बहुत ज़्यादा दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है, खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी वजह थी ज़रूरत। जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए ज़रूरी सभी आवश्यक चीज़ें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी, इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दूर की यात्रा करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। फिर देश में एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के लास्ट में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में किंगडम्स, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और चालक के वंश कुछ ऐसे राजघराने थे जो कुछ ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था, वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना नहीं देखते थे और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वी चौहान के अंत के साथ ही कहीं ना कहीं हिंदुओं के दमन का इतिहास भी शुरू हो गया, ये कहना गलत नहीं होगा।
उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि इधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी ही, साथ ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। इसलिए हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये बात तो आपने सुनी ही होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था वो कारण भी आज आप जान लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है, जबकि कभी एक्सपोर्ट्स की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफी आगे दिखाई देता है, पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में 30% गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीजों का एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था, यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं, या यूं कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। यदि लोगों के जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्र शहर में रहते थे, बाकी 90% लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी, अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर करते थे, इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गांवों में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे वहां पर तो कोई समस्या नहीं थी, पर ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे वहां तालाब खुदवाया जाता था ताकि बरसात का पानी उसमें संचय किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुल देवी का भी मंदिर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यता रहती थी कि वो गांव की देवी है, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो लोग उस मंदिर पर पूजा अर्चना किया करते थे। 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे, उसमें बस कुछ जरूरत की चीजें मिला करती थी। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने के सामान, मसाले, इत्र, पूजन सामग्री इत्यादि ही मिला करती थी। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था, लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता था, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के बदले चावल इत्यादि देकर भी लोग सामान खरीद लेते थे। दोस्तों उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होती थी। वैसे तो हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, पर गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचती, उसका निराकरण गांव में ही किया जाता था और वो पंचों के द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही व्यक्ति बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि उस दौर में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे, कृषि पर ही लोग ज्यादा निर्भर थे, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग परंपरागत बिजनेस को ही आगे बढ़ाते थे। यदि कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगरी सिखाता था, यदि कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चे को वही काम सिखाता था। दोस्तों उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही संचालित होती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ देश के बल्कि कई विदेशी मुल्कों से भी आते थे। दोस्तों आज की तरह उस वक्त भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करती थी और उसे उतनी ही धूमधाम के साथ कराया जाता था। हर गांव का यह रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी, और इसीलिए हर किसी की शादी किसी दूसरे गांव में और दूसरे गोत्र में होती थी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह एक या दो दिन में नहीं समाप्त होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थी। बारात का आना और बारात की मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे, और आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्सव हो। किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही उत्साहित होता था।
मानो इन्हीं के घर बारात आ रही हो और उनके पुत्र पुत्री की शादी होने वाली हो। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे। यही कारण था कि तब के लोग वायु प्रदूषण जैसी चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह था। हाँ, चुनौतियाँ काफ़ी सारी थीं, लेकिन लोगों में जिंदा दिली थी। लोग तब जिंदगी को इतने खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पाते। तो दोस्तों, आपकी नज़र में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जनाब। अच्छा, हमने ये तो एक टॉपिक था डिफरेंट वीडियो का कि हज़ार साल पहले हिंदुस्तान कैसा था, लेकिन वैसे हमने मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग वीडियोस में से आइडिया ले लिया क्या हालात थे, क्या सिस्टम था। लेकिन इन्होंने एक टॉपिक लेकर एक ख़ास टॉपिक पे ख़ास तौर पे बात की कि क्या क्या उस टाइम पे हालात होते थे, किस तरह के वहाँ का रहन सहन था, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के लोगों की लाइफ स्टाइल था, क्या था क्या नहीं था, लोगों की अट्रैक्शन क्यों थी। तो इन्होंने स्पेसिफिक एक टाइटल दे के बहुत ही डिटेल से एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है, जिससे हमें मज़ीद ये पता चला कि हज़ार साल पहले किस तरह का मामला था। इस वीडियो से कम हम ये कह सकते हैं, या पहले भी हमें आइडिया था कि बहुत अच्छे हालात थे हज़ार साल पहले, जब तक विदेशियों ने, बाहर से आने वाले लोगों ने हमले नहीं किए, लूट खसूट नहीं की, तो हालात बहुत बेहतर थे। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी यहाँ की थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी थी, और गोल्ड था, मसाले थे, लोग बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें। तो उस वक्त दुनिया जिस तरह की थी ना, उस वक्त की दुनिया में ये खत्ता बहुत 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 बेहतर था, इस वीडियो से जो हमें अंदाज़ा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता था हज़ार साल पहले तो मतलब कुछ भी नहीं होता होगा, पता नहीं इंसान कैसे ज़िंदगियाँ गुजारते होंगी, कोई सुविधा नहीं होती होगी। और इसमें काफ़ी हद तक ये भी कहा गया कि अब जो टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, अब जो फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, वो उस वक्त नहीं थी। जैसे कि उन्होंने कहा, टोटल खेती बाड़ी के लिए पानी जो था तो वो बारिश का पानी ही था, उसके ऊपर ही निर्भर रहते थे। रोज़गार के लिए कोई और रोज़गार नहीं होता था, मुख्य रोज़गार जो था वो सिर्फ खेती बाड़ी ही था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें बताई गई। अच्छा, एक अंतर तो मुझे ये लगा कि शादियों का इतना लंबे अरसे तक चलना, देखिए 7 से 8 दिन तक चलना बड़ी बात है, जिसमें 4-5 दिन तक तो बस बारात की मेहमान नवाजी में ही निकल जाया करते थे। ये चीज़ मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी और हैरत अंगेज़ लगी कि इतनी लंबी शादियां चलती थी। और दूसरा मुझे जो बहुत हैरत हुई इसका सुनकर और सोचकर कि उस वक्त ये 6 देश थे, जिसमें ईरान है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें इंडिया है, और भी बहुत सारे देश हैं। तो ये सारे मिलकर यकजा होकर बहुत बड़ा भारत बना हुआ था उस वक्त। यानी कि जब मैंने मैप में देखा, तो मुझे अभी का जो मैप देखती हूँ मैं भारत का, तो वाकई वो तो टुकड़े हो चुका है एक तरीके से। उस वक्त का भारत और ज़्यादा बड़ा लगा मुझे, जैसे हम अभी कहते हैं कि भारत खत्ते के लिहाज से या एरिया अरबी के लिहाज से बहुत बड़ा है, तो उस वक्त तो ये इससे कहीं गुना ज़्यादा बड़ा था। और मसाला जात को लेकर, क्योंकि मैंने एक वीडियो में और भी सुना था कि बेसिकली जो अंग्रेज़ आए थे तो वो काली मिर्च को लेकर, आई थिंक केरला की एक वीडियो थी जिसमें हमने देखा था कि वो बता रही थी कि काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, तो उसकी तलाश में शायद वो आए थे भारत। और मसाला जात को लेकर ही वो बहुत ज़्यादा ये था कि ये देश था जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था मसालों को लेकर, और आज भी है, खानों को लेकर बहुत फेमस है, मसालों को लेकर बहुत फेमस है। उस वक्त भी बहुत अच्छा खासा इंपोर्ट था इनका, अच्छा खासा रोज़गार था इनका अपने तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हज़ार साल पहले लोग जो अभी के लोग हैं, इनकी नस्बत शायद लोग जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते होंगे, कुछ भी नहीं होता होगा, बस आते होंगे दुनिया में और चले जाते होंगे, कुछ भी नहीं मतलब इन्जॉय करते होंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि शादियाँ भी होती थी, चीज़ें भी वैसी होती थी, बस अब हम एडवांस लेवल पे करते हैं, लेकिन सारे मामला वैसे ही चल रहे थे, रोज़गार भी चल रहा था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा था। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि
एक सिस्टम के तहत सब चल रहा था, जैसे कि आपने देखा पंच हुआ करते थे जो राजा तक जो बातें नहीं जाया करती वो सुनते थे, उसकी सुनवाई करते थे, और पूरा एक सिस्टम था एक मुनज़्ज़म तरीके से, मतलब उस वक्त भी इंडिया में एक अच्छा यानी कि सिस्टम देखने को मिलता था, तो उस वक्त भी देखने को एक अच्छा मुनज़्ज़म सिस्टम देखने को मिलता था, जो भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती थी, और मंदिर वगैरह जिस तरीके से चढ़ावा अभी हम देखते हैं यात्रा हो रही है चढ़ावा चढ़ाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम मुझे लगी, मुझे इतना ज़्यादा अंतर नहीं लगा। और एक बात और भी कहना चाहूँगी वो ये कि टेक्नोलॉजी आ गई है हमारी लाइफ में, फैसिलिटीज़ आ गई हैं हमारी लाइफ में, मॉडर्न हो गए हम लोग, चीज़ों को जो चीज़ें पहले के ज़माने में घंटों में हुआ करती थी वो हम अब मिनटों में कर लिया करते हैं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बैड साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर आज भी हमारी ज़िंदगियों पे मुनसर होते हैं, असरअंदाज होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि उस वक्त लोग वाकई ज़िंदगियाँ जिया करते थे जो आज के लोग नहीं जी पाते, जिस तरीके से इंजॉय किया करते थे हर लम्हे को हर वक्त को, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस वीडियो की कि उस वक्त भी लोग अच्छे से रहा करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं, वो अच्छे से मैनेज करके रहा करते थे। अच्छा एक चीज़ है कि सबसे पहले तो जो निज़ाम बहुत पहले था कई सौ साल पहले कई इलाकों में कई देहात में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके आज भी हैं जहाँ पर उसी तरह का सिस्टम चल रहा है कि वहाँ के गांव का एक सरपंच होता है ठीक है ना, और वही फैसले करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि तरक्की के साथ नहीं भी जुड़े, बहुत ज़्यादा बाहर तरक्की होती गई तो उन्होंने उस तरक्की को ख़तरनाक समझा या उनके यहाँ तरक्की पहुँची नहीं। कई कई देहात ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुँची ठीक है ना, मतलब ऐसे ऊबड़ खाबड़ इलाके हैं या ऐसे जगह हैं जंगल हैं गांव हैं फिर उसके बाद बहुत दूर बाद या बीच में पानी आ जाता है किसी भी वजह से, कोई ऐसा देश के अंदर मतलब अगर वो टुकड़ा ना हो जो देश उन तक बिजली पहुंचा सके इंटरनेट पहुंचा सके, तो अक्सर कई इलाके ऐसे भी हैं जो इस तरह कटे हुए भी हैं और उनमें वहाँ दोबारा से वहीं तक उसी तरह का सिस्टम है। कुछ तब्दीलियाँ भी आ गई हैं, इंटरनेट आ गया बिजली आ गई, लेकिन कुछ परंपराएं अभी तक वैसी पुरानी हैं। गांव देहात में अभी भी शादियाँ बहुत धूमधाम से होती हैं, पूरे के पूरे गाँव उस शादी में शरीक होते हैं, टेंट लगते हैं बड़े बड़े, मतलब बड़ा एक सिस्टम होता है। आपने वो देखी होगी फिल्म में अपना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान काजुल दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें भी एक गांव के अंदर शादी हो रही है घर के अंदर, उस घर के अंदर ही पूरी फिल्म है। उस फिल्म के अंदर शाहरुख खान किसी और के घर में रह रहे होते हैं और उस शादी में मतलब कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है कभी ये हो रहा है, तो अक्सर ये चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ है कि वक्त के साथ साथ जो सबसे बड़ी तब्दीली माशरे में आई है वक्त के साथ साथ दूरियाँ बढ़ी हैं लोगों के अंदर, वो जो प्यार था मोहब्बत थी उठना बैठना था तकलीफ़ के अंदर तकलीफ़ में आ जाना था, एक गांव के अंदर कोई शख्स परेशान हो जाए तो पूरा गांव उसके लिए खड़ा हो जाता था, पूरे पूरे इलाके उसके लिए जमा हो जाते थे, पूरा पूरा ख़ानदान मौजूद होता था। तो अब ये देखा है कि जितनी भी हमने तरक्की कर ली है, हम हो गए पाकिस्तान हो गया इंडिया हो गया कोई भी हो गया, बहुत तरक्की कर ली हमने, बहुत इंटरनेट हो गया, दूर बैठ के हम एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, हम पलक झपकते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर दूसरे सिटी पहुंच जाते हैं जबकि हम पॉसिबल ही नहीं था, एक दौर था। बहुत सहूलत अल्लाह पाक ने हमें दे दी है, बहुत ही हमने तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे अंदर जो वो इंसानियत थी ना वो कहीं ख़त्म हो गई है। यहाँ पर अब इस वक्त पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता, एक फ्लैट में बराबर में पड़ोसी बीमार है मर रहा है तड़प रहा है तो बराबर वाले को नहीं पता, एक दूसरे से सीधे मुँह कोई बात नहीं करता, एक दूसरे को सही मशवरा लोग नहीं देते, एक दूसरे को सही रास्ता नहीं बताते। ऐसा लगता है कि पता नहीं हम, मुझे ऐसा लगता है शायद कि जैसे एक दूसरे से चिड़े हुए हम, पता नहीं। अच्छा मैं आपको बताऊँ इसका थोड़ा सा रीज़न जो मैंने फील करा है, और मैंने गलत फील किया हो, कल की बात है कि मैंने एक वीडियो देखी, उसकी जावेद हैं उनकी एक एक्ट्रेस हैं, बस वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं अपनी हरकतों की वजह से, तो खैर उनकी एक वीडियो आई जिसके अंदर उनसे पूछा जा रहा था सिद्धू मूसेवाले के बारे में, तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगा कि सर ये हाँ बस ये रात हो गई गोहेड आगे बढ़ो, तो मतलब इतना अजीब लगा मुझे एक बार को कि मैंने बोला यार एक बंदा अपनी जान से चला गया, आप थोड़े से दुखी अल्फाज ले लेते उसकी थोड़ी सी दिमाग वो हो जाती, एक क्या कहेंगे हम कि थोड़ा सा आप अफसोस कर देते,
थोड़ा सा मतलब कह देते, दिलासा दे देते, हौसला दे देते। बरादरी के हैं, फील्ड के हैं, फील्ड के हैं, इतने बड़े इंसान और कुछ भी है, इतना कुछ दिया है, तो आप थोड़ा सा तो ये मतलब आगे बढ़ो, मतलब ठीक है चला गया, जाने वाला गया, अब आगे बढ़ो, बस मतलब बात भी ना करो उस इंसान की। मुझे इतना अजीब सा लगा, मैं हैरान हो गई। मैंने उसी वक्त सोचा कि क्या हम इमोशनली अटैच नहीं रहे एक दूसरे से, यानी कि हमारे नज़दीक अगर कोई मर भी गया ना, तो हम अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, जाने वाला गया तो जाए। अच्छा, इसको हम इस तरह कहें कि मटीरियलिस्टिक लाइफ, क्या कहते हैं इसे, कि हम बहुत ज़्यादा मतलब कि चीज़ों की मोहताज हो गए हैं। इंसान जो था ना, इंसान से इंसान, गांव देहात में आपको पता है इंसान के पास वक्त बहुत होता है। अगर इस वक्त भी जितना हम शहरों में बिजी हैं, हम अपने आप में उलझे हैं, यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे, किसी भी दिन, किसी भी मतलब कभी भी 10 से 12 दिन आप गांव जाके गुजार लें, विलेज में, आपको क्या लगेगा पता है? आपको ये लगेगा कि दिन इतना बड़ा होता है, दिन नहीं गुजरता, आपको भूख अच्छी लगती है, आपको प्यार मोहब्बत। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, शहर की लाइफ की निस्बत ये भी है, गांव की लाइफ में जो है ना वो ज़्यादा सेहतमंदाना है। आपको पता है जो भी लोग, जैसे हम कराची में रहते हैं, तो हमारे साइड के ज़्यादातर लोग पंजाब साइड के गाँव वगैरह में जाते हैं, वहीं से रिलेट करते हैं कमाने वाले वगैरह के लिए, या फैमिलीज को लेकर यहाँ आ गए, तो जब वो जाते हैं और वापस लौटते हैं ना, तो उनकी कलर, उनकी हेल्थ, फ़र्क आ जाता, बहुत फर्क आ चुका होता है। मतलब आप एक बार को उस बंदे को पहचानोगे नहीं कि वही बंदा है जो गया था, इतना मरियल सा बेचारा, काम कर करके हालत हुई थी इसकी, और ये आया है गाँव से तो इतना तरोताज़ा हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो हम इमोशनली अटैच नहीं रहे जितने उस वक्त थे, कि पहले अगर किसी की डेथ हो जाया करती थी, सालों उसको याद रखा जाता था, लोग अफसोस किया करते थे, लोग हौसला दिया करते थे उसकी फैमिली को, और आजकल के लोग इस तरीके के बिहेव कर रहे हैं, इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं एक बंदे को। और दूसरी बात ये कि पता है आपको, पता है मैं पहले ना बहुत रेयरली सुनती थी, मैं अपनी चाइल्डहुड की बात बताऊँ या टीन एजिंग की बात बताऊँ, कि मेरे जो इर्द गिर्द के लोग थे, मेरे जो सराउंडिंग्स में रहते थे, तो मैं बहुत शाजो नादिर सुनती थी उसकी डाइवोर्स हो गई। मतलब 5 साल में मैंने कभी सुन लिया, 4 साल में मैंने कभी सुन लिया, 7 साल में कभी किसी की सुन ली कि डाइवोर्स हो गई। आपको पता है अब वो हालात हो गए, 1 महीने में डाइवोर्स हो गई, 1 हफ्ते में डाइवोर्स हो गई, 2 दिन में डाइवोर्स हो गई। तो मतलब मैं हैरान, एक हफ्ते पहले मैंने सुना डाइवोर्स हो गई, हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दे दी। जब रीज़न पता चला तो आपको पता है रीज़न क्या था, 1 महीने हुई थी उनकी शादी को, रीज़न ये था उनका मोबाइल गुम हो गया था, उनको शक था कि मेरी वाइफ ने चोरी किया है, तो इसलिए इस बात पर उन्होंने गुस्से में आकर डाइवोर्स दे दी। अब उसने लिया नहीं लिया, आपका मोबाइल आगे पीछे आपसे मिस हो गया, आपसे गुम हो गया, इस हद तक मतलब आपके नज़दीक कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कोई मतलब इमोशनली आप अटैच ही नहीं हो, ये बंदा आया आपकी लाइफ में चला जाए, भाड़ में जाए। सही। अच्छा, एक चीज़ और है, इस वीडियो का जिक्र है कि जब वहाँ इस वक्त जो दूसरों ने हमले किए, तो उन्होंने कमजोरियाँ पहचानी कि यहाँ पर कोई एक मुनज़्जिम गवर्नमेंट नहीं है, हुकूमत कोई एक नहीं है, अलग अलग राज्य बने हुए, अलग अलग महाराजा हैं, अलग अलग, तो इसकी क्या वजह है कि अलग अलग टुकड़ों में क्यों बटे हुए थे, क्या वजह है आपके जहन में क्या आती है? मतलब कि स्टेट्स के जो अलग अलग ही अपनी अपनी रियासतें बना के बैठे हुए, पूरा हिंदुस्तान एक नहीं था, कोई एक गवर्नमेंट, एक लीड, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी है, जैसे हम मोदी जी को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उस तरह से एक एक रियासतें होती थी, तो उस रियासत का एक महाराजा होता था, जो भी से चले आते होंगे। तो मैं कह रहा हूँ सबके ऊपर एक गवर्नमेंट क्यों नहीं थी, जिसकी वजह से टुकड़ों में बटे हुए थे, तो बाहर के लोगों ने हमले किए, उसकी वजह एक कम्युनिकेशन, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इतना बड़ा था, एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आपको जाने में कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, वहाँ पे कोई हमला हुआ है, तो यहाँ तक वो बात पहुँचने में महीनों लग जाएंगे, जब तक वो वहाँ से मदद जाए, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, या वहाँ के राजा को कोई मसले आ रहे हैं, या कहीं की जनता ने किसी राजा को मार डाला, तो मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन नहीं थी, और सफ़र बहुत दूर का होता था, लंबे सफ़र होते थे, सहूलतें नहीं थी, घोड़े थे, ऊँट थे, हाथी थे, तो एकदम से इधर से उधर जाना मुश्किल था, तो टूटे हुए थे, बटे हुए थे, कम्युनिकेशन नहीं थी, तो जिसकी वजह से दूसरों को मौका मिला। इसमें भी ये बोला गया कि पहले तो जाहिर सी बात है बैलगाड़ियाँ यूज़ हुआ करती थी, तो ये कह भी रहे थे कि इतनी संभावना नहीं हुआ करती थी, इतनी आवश्यकता थी भी नहीं दूर जाने की, नौबत नहीं आती थी ज़्यादा लंबा सफ़र करने की। एक मखसूस ज़िंदगी को लंबा सफ़र करना भी है कि उस कोने से उस कोने आना है, तो उसके लिए तो सबसे बड़ा बड़ी मुसीबत की बात ये थी कि वो पहुँचेगा बेचारा कैसे। बिल्कुल ऐसा ही है, कितने दिन तक सफ़र करेगा। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ें पता चली, तो उन्होंने कहा है कि भाई सोने की चिड़िया पर हमला करो। और आपने बताया था पहले मुगल आए, हाँ आपने कहा था आते साथ ही उन्होंने सबसे पहले रेल पटरी का निज़ाम बिछाया। सबसे पहले तो वो एक कंपनी लेके आए, ईस्ट इंडिया
नहीं वो तो हुए, उसके बाद जब उनको लूटना था जाना था तो इस हद तक मतलब परेशानी और मसले मसाइल थे कि उन्होंने पहले कि हम भागेंगे कैसे, हम जाएंगे कैसे। अच्छा ये चीज़ हमें पता चली कि आखिरी राजा जो इनसे लड़ते रहे वो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज थे आखिरी दम तक जो लड़ते रहे जब गौरी ने उन्हें हरा दिया तो फिर उसके बाद। और ज़्यादातर ऊपर की साइड पर मुगलिया की हुकूमत रही है, इस तरफ तमिलनाडु और केरला की तरफ नहीं बनी। अच्छा अखुन, अखुन का भी तो हमने सुना था, अखुन डायनेस्टी एक बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।